माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि दो दिन से ये सत्र चल रहा है और काफी विषय है, कल के क्वेश्चन आवर्स आवर भी आए थे और कुछ विषय आज भी आए हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट की ओर से जो जवाब दिए गए हैं उनके तीन चार जवाब हैं वो मैं जरूर रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो कई हमारे माननीय सदस्यों ने नौकरियों के ऊपर विषय रखा है, चाहे वो HPSC की होंगी, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बेरोजगारी की बात कही गई है, HKN की कही गई है, बहन गीता बुक्कल जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री रामकर गौतम जी, अभय सिंह चौटाला जी, रावदान सिंह जी, ऐसे कई लोगों के कई प्रश्न थे। तो उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से ही पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और HPSC की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूँ तो HPSC की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है, उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11500 भर्तियां हमारी हो गई हैं और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका उत्तर बता रहा हूँ कि अभी Class 1 और Class 2 3200 भर्तियां और जो हैं एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं, तो आकर के 15000 के आसपास ये भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन HPSC की हो जाएंगी। ऐसे ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं और इसके अलावा 45873 ग्रुप सी की भर्तियां, उसका CT टेस्ट हो गया है, ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेज हैं उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो 48873 तो ग्रुप सी की भर्तियाँ होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से सीट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे, उसमें प्रावधान ये है निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियाँ होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है, अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1500-1500 और भी रिक्वेशन आ सकती है, तो लगभग 15000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं, 15000 और 45000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा HKRM का जो विषय आया है, इस HKRM के बारे में भी तरह तरह के भ्रम ये फैलाए जा रहे हैं, मैं ज़रूर सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि HKRM का मुख्य कारण, बहुत जगह से डिमांड आती थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करो, ठेकेदारों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स और जो है भर्तियाँ थे, जहाँ कहीं आउटसोर्सिंग जरूरत पड़ती थी, आउटसोर्सिंग Part 1 Part 2, लेकिन उसमें बहुत सी अनियमितताएँ हमको ध्यान में आती थी, क्योंकि जितनी संख्या वो मंजूर करा लेते थे इतने लोग भी कई बार होते नहीं थे और सैलरी उतने ही निकलनी, मर्जी से रखना और जितने लोगों को रखते थे उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कमीशन ये तय होती थी, और उसकी जो बहुत शिकायतें आने के बाद उन सबको समाप्त करके हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाया है, चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में ये सब चलता है। जितने पुराने लोग थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते तो बने रहें, अगर HKRM में आना चाहें तो उनको पोर्ट करेंगे। तो ऐसे अधिकांश लोगों ने और अपनी सहमति दी थी, 1,05,728 ऐसी मैन पावर है ये दूसरे विभागों से पोर्ट की गई, और अलग से जो डिमांड आई थी
उसमें 12,885 ऐसे नए लोगों को भी उसमें एच के आर में रखा गया है। और जो नए लोग रखे जाते हैं उसके अंदर पारदर्शिता से बाकायदा सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनका पैरामीटर क्या है, मेनली परिवार की इनकम जिसकी कम होती है उसको कम ज़्यादा देते हैं ताकि गरीब लोगों को ये आउटसोर्सिंग की ये प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे ही उनकी शिक्षा, ये उसका दूसरा पैरामीटर होता था। स्पेशल स्टेटस परिवार का है, हमारी कोई बहन विडो है, विडो का बेटा है, कोई दिव्यांग है, तो इस नाते से एज का भी क्राइटेरिया उसमें रखा था कि अगर एज 28 वर्ष से और 34 वर्ष के बीच के अंदर है 35 वर्ष की, वो एक आयु ऐसी होती है जिसमें तुरंत कुछ ना कुछ काम उसको मिलना चाहिए, इस एज वर्ग को वरीयता दी जाती थी। जिस ब्लॉक में नौकरी करनी है उसी ब्लॉक का व्यक्ति होता था होता है तो उसको भी वरीयता दी जाती है, ताकि ग्रुप डी का व्यक्ति थोड़ी सैलरी में बहुत दूर अगर चला जाएगा तो उसको कठिनाई होगी। कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि रहने वाला नज़दीक यहाँ का है और उसको नौकरी शायद 150-200 किलोमीटर दूर उसको मिली है। कारण क्या है कि उस समय उसका जब ऑप्शन की बात आती है तब तो उसको लगता है कि क्योंकि नौकरी मिल रही है वो दूर की भी सिलेक्ट कर लेता है, बाद में जब ज्वाइन करता है फिर उसकी ओर से शिकायत आती है कि मुझे तो 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन की ऑप्शन भी उसी को दी जाती है कि ये नौकरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाकर ज्वाइन करिए। आगे से और हम इस दूरी के अंक ज़्यादा रखना चाहते हैं ताकि जो निकट का व्यक्ति है उसको सिलेक्शन में अंक ज़्यादा मिल जाए, दूर जाने वाले को ऑप्शन ही कम हो जाए ताकि व्यक्ति को जैसे उसमें ऑप्शन मिले वो उसमें भर सकता है। और कुल मिलाकर हमारी जो नौकरियों का और बेरोजगारी का विषय है, बेरोजगारी के बारे में अलग अलग आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों के बारे में हम अपनी आंकड़ों की पुस्तक खोल के बैठते हैं और हमारे विपक्षी मित्रों की आंकड़ों की पुस्तक अलग होती है। CMIE एक संस्था है जिसकी आंकड़ों की पुस्तक वो बदलती रहती है। अलग बात है कि एक बार सितंबर में उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी सिर्फ 2% है, बाद में बढ़ा करके उन्होंने 28% 34% कर दी, 34 के बाद फिर 28 आ गई। मैंने देखा नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि भी पिछले महीने नवंबर की उनकी जो आंकड़ा हरियाणा के बारे में आया है फिर से 8% आया। हालांकि मेरा कोई भरोसा नहीं है CMIE की पुस्तक, लेकिन मैं तो उन बंदुओं को बताना चाहता हूँ कि जो उस संस्था के आंकड़ों के ऊपर खेलते हैं। हमारे पास एक एक व्यक्ति का बेरोजगारी का डाटा है, सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में हम सामने वाले को कहते हैं कि क्या काम करते हो, बेरोजगार होता तो लिखवाता है कि मैं बेरोजगार हूँ। 18 साल से लेकर के और 58 साल तक की आयु के जो लोग अपने आप को बेरोजगार कहते हैं उनका आंकड़ा हमारे पास 7% के आसपास चलता है, कभी आधा परसेंट ऊपर होता है, कभी आधा परसेंट कम होता है। नीति आयोग ने भी लेबर के क्या आंकड़े हैं, लेबर आईएलओ ने कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट से उससे कितने, आईएलओ ने भी पिछला जो आंकड़ा बताया 9% का बताया, ऑफ द हाईएस्ट, नहीं कोई हाईएस्ट नहीं है। और नेशनल एवरेज क्या है, नेशनल एवरेज से कुछ ऊपर कुछ नीचे चलते हैं, वो एवरेज है, लेकिन 9% से ऊपर वो भी नहीं बताते हैं। इससे ऊपर 9% से ज्यादा कौन सी स्टेट की है बता दो। मैं ये बता रहा हूँ, वो भी बता दूंगा, क्योंकि अगर ये विषय आता तो मैं पहले बता करके आता। मैं ये भी बता देता हूँ कि आईएलओ का भी एक सैंपल बेस होता है, सैंपल के ऊपर ही आधारित सारे निष्कर्ष होते हैं। हम सैंपल नहीं, हम तो हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन, आज 2,80,00,000 हरियाणा की मेरी पॉपुलेशन है, 71,00,000 परिवार है, एक एक व्यक्ति कौन क्या करता है, कोई कॉलम खाली उसके सामने नहीं बचेगा। आयुष हाउस वाइफ भी है तो उसका सामने लिखा है कि शी इज आयुष हाउस वाइफ, बच्चा है ऑर्फन है तो ऑर्फन क्या है, और वहां तो कई आंकड़े ऐसे हैं कि स्कूल 15 साल के आयु के भी बच्चे उनको भी दिखाया अनएम्प्लॉयड है। 18 साल के बच्चे को हम मानते हैं वो शिक्षा उसका दायित्व है, शिक्षा के अंतर्गत उसको, और हम जो है यानी नो या जीरो क्या ड्रॉप आउट, ये हमारी पॉलिसी है कि हम आने वाले समय में लगभग आज 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं कुल मिलाकर 6 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक जो अभी स्कूलों में नहीं जाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जैसे हमारे गुरुकुल्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है, जैसे मदरसे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। कुछ वहां भी पढ़ते होंगे, कुछ हो सकता है कि न भी पढ़ते हों, घर में रहते हों, माता पिता ने न पढ़ाया हो। हम स्कूल एजुकेशन के माध्यम से ऐसे एक एक 6 साल से 18 साल तक के बच्चे का उसको ट्रैक कराएंगे और ट्रैक करा के कोशिश करेंगे कि सब बच्चे स्कूल में आ जाए। तो मेरा ये कहना कि ये जो बार बार ये विषय आता है, हाँ इसमें सरकारी नौकरी एक सीमित है,
सरकारी नौकरी कभी भी ऑन एवरेज 20,000 के आसपास रहती है, इकट्ठी दो तीन साल की हो जाएंगी तो 50-60 हज़ार हो जाएंगी, अगर वो साथ साथ चलेंगी तो 20,000 जाएंगी। हमारा टोटल जो स्ट्रक्चर है वो 4 लाख के आसपास ये हमारी टोटल एम्प्लॉइज की संख्या है। हाँ, एक चीज और इसमें जो एतराज की आती है कि सैंक्शन पोस्ट से कितनी है। ये बात सही है कि सैंक्शन पोस्ट सब डिपार्टमेंट हायर साइड में जाके फाइल क्लियर करा लेते हैं, उनको भी पता है कि भर्ती होने में समय लगता है, उनको भी पता है कि फाइल एक बार चलती है तो बाद में दोबारा पता नहीं सैंक्शन होने में कितना समय लगेगा, एंटीसिपेशन करके और उनकी संख्या इन्फ्लेटेड बढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए जेबीटी टीचर्स की जो सैंक्शन पोस्ट है 45,000 है, जबकि हमारी आवश्यकता आज भी 30 बच्चे के पीछे एक अध्यापक जेबीटी नॉर्म्स हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नॉर्म्स हैं, वो हमारे नहीं है, तो उसके हिसाब से हमको आज भी 36,000 टीचर चाहिए। 9,000 पोस्टें ज़्यादा सैंक्शन है, फिर भी हमारे पास टीचर जब ज़्यादा आते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा 1:25 करके उनकी नौकरियों को हमने रखा हुआ है। कुछ स्कूलों कोई खर्ची फर्ची का विषय नहीं है, और यही बातें मुझे आपको कहनी है कि जो चीज़ें जब कभी चलती थी वो बातें आपको याद आती हैं। जुबान सही और दिल साफ रखता हूं, जुबान सही और दिल साफ रखता हूं, कौन कब कैसे बदलेगा सबका हिसाब रखता हूं। स्पीकर सर, एक मिनट, नहीं एक मिनट, सदन बोल, मेरा एक मिनट है, नहीं एक बार मेरा सबमिशन, उसके बाद बोल देना आप, इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा। खर्ची पर्ची की बात आई, इन्होंने एक बात कब कही, इसमें क्या है, जब 3 करोड़ रुपए पाए गए डिप्टी सेक्रेटरी के पास, उसमें खर्ची भी थी पर्ची भी थी और उसमें एक टेलीफोन भी था। देखिए टेलीफोन में जो वार्तालाप है दो अफसरों का, अध्यक्ष महोदय, उसमें रिजल्ट बदलवाने के लिए जो बात कही गई है, तो इसमें एक भी बात की जानकारी हमारे पास आई, हमने उसका संज्ञान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि तो इसमें सीएम साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं भी आपका प्रशंसक हो जाऊँ, एक जो टेलीफोन मिला था उसमें जो डिस्कशन था दो अधिकारियों का कि किसके रिजल्ट बदले जाएं, किसके दिए जाएं, किसके कम दिए जाएं, उसको आप कर दो, क्योंकि आप गीता के भी सपोर्टर हो, आप अर्जुन समझ के तीर चलाओ, आप आपके अपने आदमी हैं, उनको निकालो, उसमें कौन अधिकारी थे। हाँ जी, मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूँ, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा, बट इसके लिए कोई गीता के ऊपर बैठो काजन साहब, बैठो जी। ये 3 करोड़ और 360 करोड़ में तो इनको समझ आता ही नहीं ना, पता नहीं लगता। काट दी नहीं, सबको बुलाते हैं। अच्छा चलिए, आज मैं कार्ड जो है, आज हमारे कंवरपाल जी हमारे संसदीय मंत्री हैं, सभी विधायकों को आज गीता जयंती के इनविटेशन आज ही जाने चाहिए, आज ही पहुंचेगा। भिजवा रहे हैं, अभी बोल दिया। नहीं नहीं, हमने तो भिजवाया, आप खो गए होंगे, भिजवा रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। ऐसा अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इनको हमेशा हमेशा जहां जाए वहां कुछ चाहिए, और ये कितनी लालसा रखे, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, चाहे इधर की बात करें चाहे उधर की बात करें। मैं उसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में गए तो पुड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब दिल में इतना दर्द है तो हंसते क्यों हो? अरे हर रोज दिन रात मेरा नाम जपते क्यों हो? कभी पुराने अखबार उठाकर पढ़ना, पता चलेगा सारे मुजरिम मेरे नाम से डरते क्यों हैं? हसरते पूरी ना हो तो ना सही, पर ख्वाब देखना कोई आपके लिए गुनाह तो नहीं, ख्वाब देखते रहो। नहीं नहीं नहीं, जैसा कहोगे वैसा वैसा भरोगे। तो मित्रों, इस नाते से मैंने
हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के बारे में बताया है कि एक अभी दलदला नहीं नहीं कोई जलजला नहीं दिखाएंगे, ये हमारे मित्र हैं, विपक्षी मित्र हमारे मित्र हैं, सब मिलकर के और इस प्रदेश के भले के लिए कदम से कदम मिला के चलेंगे, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, जहां तक कल एक विषय हमारे जयवीर सिंह जी ने उठाया था कि फतेहपुर गांव की 40 एकड़ जमीन, देखिए एक प्रावधान है और जो प्रावधान है उसके बाहर हम कभी जाते नहीं हैं। आखिर किसी भी सामाजिक काम के लिए, खास करके गौरक्षा आदि के लिए एक प्रावधान है हमारा, जो गौ चराने की जमीनें हैं उनको किसी गौ संवर्धन के काम के लिए लीज पर दिया जा सकता है, कोई जमीन बेचते नहीं है। आज भी हमने एक स्पेशल नीति बनाई है, कोई भी नई गौशाला बनाए तो नई गौशाला के लिए गांव के लोग प्रस्ताव पारित करें पंचायत, कोई संस्था वहां गौशाला बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करके दे, फिर हम गौ सेवा आयोग और हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ये उनके लिए एक एग्रीमेंट करते हैं और बाद में उनको जो भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, चारदारी हो, शेड हो और साल भर का गौ चारा, जो उनको चारा चाहिए उसका पैसा उनको तुरंत देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, बजट के सब ज्ञाता यहाँ बैठे हैं, पिछले वर्ष उससे पहले 40 करोड़ के आसपास बजट होता था गौ रक्षा गौ संवर्धन के लिए, अब पिछले वर्ष हमने गौ संवर्धन के लिए केवल इन बातों को लेकर के जो बेसहारा गौवंश बाहर घूमता है इनकी व्यवस्था करने के लिए कुछ आगे बढ़े तो हमने उस बजट को 10x400 करोड़ रुपया किया है, 400 करोड़ रुपया। और वो 40 करोड़ जो हर बार का होता था वो तो हमने एक किस्त में भेज ही दिया, बहुत जल्दी एक किस्त 40 करोड़ रुपया वर्तमान गौशालाएं जो गोचारे की उनको भी हम भेजने वाले हैं। और साथ में जो नई गौशालाएं आ रही हैं, ये कुछ प्रस्ताव आए हैं डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, वहां सब जगह हमने आश्वस्त किया है कि ये पैसा हर गौशाला नई खुलने वाली जितना पैसा उनको चाहिए वो हम देंगे। तो ऐसी जो फतेहपुर गांव की पंचायत की 32 एकड़ जमीन है वो गौशाला को देने के लिए प्रस्ताव पारित सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उपायुक्त को भेजा है, विचाराधीन है, एक संस्था सामने आई है और भी कोई संस्था आएगी उनको भी हम ये जो है इन गौशालाओं के लिए और आगे देने के लिए तैयार है। पंचायतों की जहां तक बात है कि उनकी लिमिट खत्म करके विकास कार्यों के लिए अधिकार दिए जाएं, ये बात ठीक है कि वहां सारी चीजें लगभग 20 लाख रुपए तक कोटेशन के आधार पर सारे काम होते थे। बहुत हमारे पर शिकायतें आई, हमने इन चुनाव से पहले ही, अभी जो पंचायतों को चुनाव उससे पहले ही उसके अंदर एक लिमिट फिक्स की थी कि कोटेशन जो छोटा काम है उसके लिए कोटेशन के आधार पर करें, उसके बाद बड़े काम के लिए ई टेंडरिंग से, और ये विषय जाना चाहिए, 5 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग से करेंगे, 5 लाख से नीचे के जो काम है 2 लाख 3 लाख 4 साढ़े 4 लाख तक भी वो कोटेशन के आधार पर करें। प्रारंभ में कठिनाइयां आई थी सुनिए, अरे एक बार सुन लो, पहले पूरा सुन लो ना, बता देना, नहीं रिलेटेड बताना ना, पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में रिलेटेड क्यों बताओगे, पूरी बात मैंने की नहीं है। तो इसलिए अब वो विषय इसलिए कि प्रारंभ में जो नए जो भी कोई सिस्टम बनते हैं तो कठिनाई आना स्वाभाविक है, ई टेंडरिंग में सरपंचों को कठिनाई आई थी, हमने डिपार्टमेंट को भेज करके और सबकी वहाँ ट्रेनिंग करा दी है। ट्रेनिंग कराने के बाद एकदम आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में अब वो ई टेंडरिंग पर काम होने शुरू हो गए हैं, जहाँ कहीं कठिनाई है उसको अब भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक लिमिट की बात है, उस लिमिट में हमने कहा था कि भी 5 लाख के काम कराने में भी टोटल जो उसका राशि है वो उसकी बजट की 50% उस पर अपने काम करा सकता है छोटे काम, और 50% बड़े कामों के लिए रखा जाए। फिर विषय आया कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ हैं ही सारे छोटे छोटे काम, बड़े हैं ही नहीं, उसमें भी हम प्रावधान कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका पत्र पहुंच जाएगा, अगर नहीं गया तो देवेंद्र जी को पता होगा कि अब हम उसको और रिलैक्स कर रहे हैं कि अगर कहीं 5 लाख से बड़े काम नहीं हैं, ज्यादा काम 5 लाख से कम हैं, तो हर संस्था यानी पंचायत बीडीपीओ से, पंचायत समिति सीओ से, जिला परिषद डिप्टी कमिश्नर से अनुमति लेकर के उससे ज्यादा काम भी अगर छोटे हों तो वो करवा सकते हैं, उनको स्पेशली जो भी कोई कोटेशन पर काम आएंगे, डिमांड पूरी होगी उस कोटेशन के हिसाब से कर सकते हैं। कई जगह पर रेट्स तय करने की भी कुछ कठिनाई आई थी कि डिप्टी कमिश्नर की जो कमेटी है वो रेट तय करती है, वो कहीं कम हो जाते हैं, कहीं ज्यादा हो जाते हैं, बंधन होता है, इसी रेट पर करना है,
तो बहुत ठेकेदार इस कारण से भी नहीं आते हैं। अब हमने वो भी छूट दे दी है कि इस रेट को आपको जो HSR का रेट है उस पर स्टिक करने की जरूरत नहीं है, जो स्थानीय तौर पर रेट है एक कमेटी बनेगी उस रेट के हिसाब से वहां अपना तय करें, लेकिन एक जिले में तो कम से कम एक रेट हो ताकि कहीं भी इस प्रकार की मिसमैनेजमेंट ना हो जाए कि कहीं ईंटे 6000 रुपए हजार मिल रही हैं तो कहीं 8000 रुपए हजार मिले, कहीं 10000 रुपए हजार मिले, तो उस जिले का जो रेट है वो फिक्स करके और अपने हिसाब से उस रेट को वो तय कर सकते हैं ताकि कोई कठिनाई ना आए। बात ठीक है कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, हम ज्यादा ज्यादा ताकत इनको देना चाहते हैं, लेकिन जहां तक पैसे और फाइनेंस का विषय है उसके ऊपर ऑडिटिंग और उसके ऊपर कंट्रोल इसलिए जरूरी है कि आखिर वो पैसा हम प्रदेश से देते हैं 7%। अगर कोई पंचायत ऐसी हो कि उसकी सेल्फ ओन इनकम इतनी है कि वो स्टेट से अपेक्षा नहीं रखते तो हम उसको ये छूट भी दे सकते हैं कि जैसे मर्जी कमाओ जैसे मर्जी खर्च करो, लेकिन ऐसी पंचायत या यूएलबी कोई है नहीं कि पर्याप्त उनके पास इतनी इनकम हो जाए जिससे अपना काम चला सके। तो इसलिए कोई हो तो बता देना, देख लेंगे। एक विषय मेडिकल कॉलेजेस का आया, हमारे सोमवीर जी ने चक्की दादरी के मेडिकल कॉलेज की बात की थी, वे हैं कोई बात नहीं। तो हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज सरकारी अथवा कोई प्राइवेट वो होगा, ये हम अपने समय में इसको पूरा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2-1.5 साल पहले 4 जिले बचे थे जिनकी मैंने घोषणा की थी, 4 जिलों में पलवल था, चरखी दादरी था, फतेहाबाद था और कैथल। तो ऐसे बाकी सब जगह पहले हुए थे, लेकिन 4 में से भी कैथल का शिलान्यास हो चुका है, जमीन सब जगह हो गई है, लास्ट जिला पलवल बचा था। पलवल में भी मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही फाइल आई थी और दादरी की जो फाइल आई थी उसला गांव की जमीन वो उसको उपयुक्त माना गया है और उसको भी हमने स्वीकृति दे दी है, निर्णय ले लिया कि वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज हर एक जिले में जमीन फिक्स हो गई है, 3 जिलों का शिलान्यास बाकी है, उन शिलान्यास के बहुत जल्दी करने के बाद और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और बजट और सब करके हम कुछ वो भी करेंगे। मैं तो नए की बात कर रहा हूँ, अभी नए की बात कर रहा। मुझे मालूम है नलड़ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक नहीं है। बैठिए, रेगुलर डायरेक्टर 4 अभी अभी हमने भेजे हैं। हाँ, सब नलड़ पहुंच गया ना, नलड़ में नलड़ के डायरेक्टर पहुंच गए ना। अरे विषय ये नहीं है, वो डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, परमानेंट नहीं। हाँ, रोहतक भी पहुंच गए हैं, करनाल में भी नहीं था वो भी पहुंच गया, आपके खानपुर में भी नहीं थे वो भी पहुंच गए हैं, चारों पहुंच गए। मेरे मित्रों, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जनहित में सारी योजनाएं बना रहे हैं और जनहित में योजना बनाने में इसका आगे क्या फॉलो आउट होगा, भविष्य कैसा होगा, इसकी भी हम चिंता करते हैं, वर्तमान में किसी काम की कमी छोड़ते नहीं हैं। फिर भी जो समस्याएं आप लोगों ने बताई हैं, कुछ डिमांड्स रखी हैं, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इन डिमांड्स को अभी इस समय में पूरा कर पाएंगे अथवा फाइनल बजट जो है उस फाइनल बजट के समय रख पाएंगे। समाज के अंदर कोई भी काम को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब तो विधायकों के साथ साथ जनता से भी जो डिमांड्स आती हैं, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय जो हमारी यात्रा संकल्प यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहां पर विषय यही है, कोई दुरुपयोग नहीं है, जनहित में करने वाला ये सारे देश भर का कार्यक्रम है और सारे देश भर के कार्यक्रम के लिए हम जनता से डिमांड पूछते हैं, उनकी जो समस्या है उसको खत्म करते हैं, उन योजनाओं का जो लाभ जिनको नहीं मिला उनको देते हैं। लेकिन हम करें क्या, महल आप लोग अपना महल रेत का बनवाते हो लेकिन पता बारिश को देके आते हो, ध्यान रखो महल का क्या होगा।